सबने बंद कर दिए। क्योंकि हिम्मत टूट जाती है ना पैसे के लालच में। ये हमारी ओजोन मशीन होती है जिसके लिए जो इसकी किरणें होती है ना वो स्किन का जितना भी अंदर का देखो कितना अच्छा लग रहा होगा आपको, सारी लाइटें निकल रही है जैसे ये छोटी छोटी। हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो दोस्तों दो पार्ट में होने वाली है क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुकी थी और हम देख लो बेड पे करने वाले हैं मैम का फेशियल। तो आज फर्स्ट टाइम बेड पे करके दिखाने वाले हैं अपने सैलून में हम फेशियल। तो ये दो पार्ट में आएगी वीडियो क्योंकि ये वीडियो करीबन 1.5 घंटे की हो गई है। तो बहुत अच्छी वीडियो, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फेशियल हमारा कैसा रहा। तो दोस्तों तो आज हम मैम का फेशियल करने वाले हैं, बेड पे ही कर रहे हैं आज मैम का फेशियल। हमने पिछली वीडियो में किया था मैम का लाइव फेशियल चेयर पे, तो आज हम करने वाले हैं मैम का फेशियल बेड पे। तो हम लोटस फेशियल करेंगे मैम का। और मैम भी कुछ बोलोगे मैम आप, मतलब आपको कैसा पिछली दफ़े जब फेशियल कराया था तो आपको कैसा लगा था फेशियल करा के? पिछला एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इसीलिए मैं फिर से आ गई यहाँ पे। अभी एक हफ्ता ही हुआ होगा शायद, या 15 दिन आपको? हाँ, फेशियल 15 दिन पहले आई थी। देखो 15 दिन पहले ही मैम ने फेशियल किया था तो इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। हाँ। लोटस फेशियल बहुत अच्छा होता है, हर्बल फेशियल होता है, सारे क्लाइंट को पसंद आता है, हमारे तो इनको भी बहुत पसंद आया है। तो क्या क्या बेनिफिट मिले आपको उस फेशियल से मैम आपकी? हाँ। जैसे डेड स्किन में ग्लो आई फेस में। हाँ, वो आपको दिख भी रही होगी फेस पे ना काफी। हाँ, उस टाइम अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसीलिए मैं फिर से आ गई यहाँ पे। ठीक है, चलो हम मैम के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लींजर करेंगे मैम के। और इन मैम का ना इंस्टाग्राम पे चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में मैम का लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम का, आप इनकी वहां जाके वीडियो को फुल वॉच करके देखो, बहुत अच्छा चैनल है। किस चीज का चैनल है मैम आपका? ट्रैवल एंड ब्यूटी फैशन। देखो ट्रैवल करती है मैम, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती है, बहुत अच्छी लोकेशन पे शूट करती है। तो प्लीज जाके एक दफे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके इनके इंस्टाग्राम पे जरूर जाओ और इनको फॉलो करो, बहुत अच्छा इनका लोकेशन ट्रैवल होता है। मैं ऐसी ऑफ बीट जगहों पे जाती हूँ जहाँ पे ज्यादा भीड़ वगैरह नहीं होती है। और अभी करानी ना सिस्टम दे दो। एक नई स्टीम ऑर्डर भी कर रखी है आने वाली है एक दो दिन में ना, छोटी स्टीम चाहिए ना जहाँ पे हर जगह एडजस्ट हो जाए, तो छोटी करिए, अब बड़ी हर जगह आती नहीं है।
पड़ेगा मुझे क्योंकि नहीं बाल भी थोड़े से वो है ना आपके फिजी ड्राई बहुत ज्यादा ना, और बैंड भी है बालों में ना, मतलब बैंड है हल्के से कल ना कर्ली ना बहुत ज्यादा कर्ली, अभी तो थोड़े ठीक लग रहे हैं मेरे मैगी जैसे बाल थे। अच्छा स्मूथनिंग कराई थी कभी आपने? हाँ। अच्छा, कितना टाइम पहले? बहुत सारे। अच्छा तो कैरेटीन करा सकते हो आप ना, कैरेटीन का अच्छा रिजल्ट आएगा। तीन चार चीजें कैरेटीन करा सकते हो, बोटॉक्स करा सकते हो। बोटॉक्स हेयर अच्छा रहता है, सुबह हेयर भी अच्छा रहता है, ये समझ लो 40% स्ट्रेट भी होता है, स्ट्रेट ना सीधा, और हेयर में साइन बहुत अच्छी आती है और डैमेज हेयर पूरे सही रहते हैं। यूट्यूब पे काम करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है, अपडेट रहता है इंसान ना उससे बहुत ज्यादा आगे के लिए। किसी भी सैलून में नहीं होगी वो ये यहाँ पर ना देहरादून में वो चीज। और वो जो उस दिन आपने जो मशीन यूज करी थी ना डार्क सर्कल्स के लिए, क्या थी वो? वो ओजोन मशीन है हमारी, जो एक देखा होगा आपने छोटे छोटे पूरे फेस पे जैसे ये होते हैं ना यहाँ पर, इन सबको खत्म करती है छोटे छोटे, उसे हम क्या बोलते हैं दाने जैसे हो जाते हैं मस्से जैसे ना, वो सब खत्म होता है, आपका डार्क सर्कल पूरा खत्म हो जाता है। देखो डार्क सर्कल पे कितना फर्क है आपके, और जी ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाते हैं। बहुत अच्छा काम करती है ना। ओजोन मशीन। आपके मैंने पिछली बार किया था ना वो ओजोन मशीन, तो कमेंट भी बहुत आए उसके। क्या चीज़? उस मशीन के ही ना। अच्छा क्या कमेंट है? मतलब और भी फेसिलेशन किया ना मैंने, वे भी वीडियो डाली D10 की वीडियो, तो काफी जो देखता है वीडियो उनके आए कि सर आप ओजोन मशीन हर वीडियो में दिखाया करो और बताया करो फेसियल या D10 के। अच्छा मैंने 2-3 वीडियो में नहीं डाली वो चीज़, तो ने कमेंट किया। नहीं नहीं मतलब हर उसमें प्रोडक्ट पे नहीं होती ना वो यूज। अच्छा प्रोडक्ट के अपडेट टाइम पे डाली मैंने 2 वीडियो। अपडेट टाइम पे तो नहीं कर सकता ना मैं। हाँ। मतलब किस पे कौन से प्रोडक्ट पे यूज होती है? हर्बल किस पे होती है, हर्बल पे या O3 पे? अच्छा तो आज हो जाएगी। हाँ।
स्किन टाइट कर देता है। स्किन टाइटनिंग का अलग होता है। अच्छा क्या होता है वो? एक तो फेशियल अलग होता है, एक मास आता है स्किन टाइटनिंग का। अच्छा। अगर उसे रेगुलर लो तो आपको हर सर्विस पे फर्क दिखेगा। पूरी स्किन ना हमारी जो लूज है वो हेड में चली जाए। अच्छा। तो स्किन हमारी फेस की पूरी टाइट हो जाती है, मतलब हल्की हल्की जो जैसे ये रिंकल से पड़ जाते हैं ना ये सब खत्म हो जाती है। मेरे आँखों के पास ही है झुर्रिया, मतलब आँखों के ऊपर जो ना हुडेड आईज है। तो आप तो अगर नहीं भी लो ना तो फेशियल लेते रहो, या घर पे मैं बता दूंगा आप घर पे भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? तिल का तेल होता है ना। अच्छा। तो तिल का तेल लेना है सोने से पहले। हाँ। और यहाँ लगाना है जहाँ भी आपके झुर्री है, रिंकल है ना ये, तो जहाँ भी है वहाँ लगाना है। और इस तरह से करना है, ये फिंगर रखी हमने, फिर ये भी दो फिंगर रखी, ऐसे ऊपर करी, फिर ऐसे करी, फिर ऐसे करी, फिर ऐसे। तो आप घर पे भी डेली करोगे तो वहाँ भी हो जाएगा आपका। मेरी ना आंखें मतलब हुडेड आईज हो गई, पहले नहीं थी, तो वो स्किन लूज हो गई ना इसकी वजह से। हाँ, इसकी वजह से वो। आप अगर तिल का तेल लोगे करोगे ना तो घर पे भी हो जाएगी, और फेशियल लेना चाहो तो स्किन टाइटनिंग फेशियल ले लो। पूरी फेस की स्किन नहीं है बस आंखों। हाँ, तो वो मैंने घर पे बता दिया आपको सोने से पहले ना वो करो। चलो नेक्स्ट टाइम ध्यान। गाउन भी है मेरे पास। ठीक है, अगली बार। पैसे आने लगे ना तो इस पर पैसे भी खर्चा करना शुरू कर देना। मतलब जब अपना फेस शो करोगे ना आप अच्छे से डेली, तो उस पर करना। तो फिर आपकी रील देखो, जैसे आपने कोई भी रील बनाई या वीडियो बनाई, ठीक, तो वहाँ पे एक बूस्ट का आता है। अच्छा, आया होगा। तो उस पर क्लिक करना, तो उस पर मैसेज का हर चीज का दिखाते हैं, तो वो एक दिन के 120 रुपए चार्ज करते हैं। हाँ, एडवर्टाइज ना, लेकिन उससे जो ना आपके हर चीज बढ़ेगी बहुत तेजी से। अभी मैंने अभी किया था ना,
तो मुझे बहुत सारे मिले उससे भी। मैंने तो मैसेज के लिए किया था ना, मैंने कलर की वीडियो डाली थी, तो सिर्फ 13-13 वाले के गर्ल्स को टारगेट रखा था मैंने, तो सबके मैसेज आए थे मेरे पास बहुत, क्या हमें भी कलर कराना है, मतलब जब अच्छी तरह से वो हो जाओ। और तुम्हारा ना फेस शो नहीं है, अन्य ऐसा लगता है ना तुम्हें बहुत ब्रांड मिल जाते हैं। स्टोरी इसमें है बस, वो उन्होंने आप कंपनी की नज़र पड़ती है ना जब, तो वो फेस देखता है सबसे पहले ना। नहीं फिलहाल तो मुझे नहीं करना है, बस अपना स्टार्ट हो जाए, मतलब एक बार सेट हो जाए सारा। हाँ उसके बाद देखेंगे, अभी तो मेरे पास अच्छा कैमरा भी नहीं है कि मैं जरूरत नहीं है, खाली मोबाइल से करो ना, सब कुछ आता है मोबाइल में। ट्रैवल के HD वीडियो से लगता है ना वो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप एप्पल का फोन ले लो, इतना बढ़िया व्लॉग बनते हैं उससे ना, बहुत बढ़िया वाले, सारी लोकेशन HD पे आएगी, बहुत बढ़िया वाली। पता जिसके 1 मिलियन भी है ना, ये भी मोबाइल से शूट कर रहा है सारा कुछ, वो अलग बात है कि कर ले कर लो, लेकिन जब नहीं है तो मजबूरी है तो करो, मोबाइल से हर चीज होती है मोबाइल में। मैंने बताया ना ओपन कैमरा है, सब कुछ देगा आपको। नहीं ट्रैवल का ये दिक्कत है कि उसमें HD क्वालिटी हो तभी वो फेमस होता है, नहीं तो। एप्पल का ब्लॉग ट्रैवल के लिए बहुत बढ़िया है, एप्पल का फोन। हाँ वही लेना है, वही ले लेना भाई, उससे कर लेना, पैसे खर्च मत करना अभी, मैं बता रहा था क्योंकि इसका ना कुछ पता नहीं है, जिस दिन पता चल जाए उस दिन कितने पैसे खर्चा कर लो। नहीं जो इसमें से पैसा आएगा ना, हाँ वही इसमें डाल, वो डाल दो। मेरे आ गया, मैंने ये समझ लो मैंने अभी तक YouTube पे करीबन 20-22 हज़ार रुपये खर्चा करा। अच्छा क्या किस पे? YouTube पे, मतलब क्या उसमें कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती है। अच्छा और जी कुछ एड वैड लगाने पड़ते हैं उन सब चीज़ों पे ना। अच्छा वो भी आने के बाद जब आ गया मैंने, चल लीजिए इसके पैसे इसी पे खर्चा कर दो, सब कुछ नहीं लगता। नहीं नहीं उसके पैसे उसी पे खर्च, हाँ उसी पे कर्जा कर दो, ठीक है चलो, अपनी मेहनत ही लग रही है जो लग रही थी आज तक। मेहनत बहुत तगड़ी वाली है इसमें, मेहनत के हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिलता, सही बताऊं YouTube पे बहुत तगड़ी है ना, Instagram पे कुछ भी नहीं है, YouTube पे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन YouTube देता है ये है मेहनत का ना, Instagram नहीं देता। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए मिल जाए, अब मेरे पास बहुत दिनों पहले IV पड़ी थी ये वाली थी ना। अच्छा। तो मैंने जीमेल देखा नहीं था। अच्छा। और मैंने आज जीमेल देखा तो उसमें पहले ही ऑलरेडी IV पड़ी। तो थोड़ा सा नया नया करो ना तो अच्छा लगता है, भले से पैसे ना मिले, मैं अभी कोई पैसों की मुझे इतनी वो नहीं रखता मैं इस पर अभी तक भी ना, लेकिन थोड़ा सा नया करने को मिलता है। तो मैंने देखा फिर मैंने उससे बात करी व्हाट्सएप नंबर पे, अरे ठीक है सर हम आपको प्रोडक्ट भेज देंगे, चाहता मैं उनसे पैसे भी ले सकता था अगर मैं जोर डालता ना, लेकिन मैंने नहीं लगा ठीक है तुम प्रोडक्ट ही भेज दो। हेयर ऑयल ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, वो इसीलिए करी है मैंने ना, क्लाइंट को बहुत फायदा होगा मतलब ना, जो भी देखेगा या लगाएगा, तो मैंने पहले उसकी जानकारी ली ना सारे प्रोडक्ट की, तो मैंने इसलिए करा, मतलब जो भी उसका प्रोडक्ट खरीदेगा ना उस कंपनी का, उसको बालों के लिए लाभ होगा बहुत ज़्यादा।
ऐसा है उसका ना एक पैक है, रीठा आंवला अच्छी चीज़ों का मतलब ना बना हुआ, तो उसका उन्होंने पैक बनाया है और न्यू लॉन्च करा है, अभी है नहीं वो मार्केट में ना सबके पास, तो इन्होंने करा है। तो मैंने देखा उसकी जानकारी ली अच्छे से, मैंने कह दिया प्रोडक्ट तो अच्छा है, जो भी लगाएगा ना उसको फायदा होगा, हेयर जिसके झड़ रहा है टूट रहा है गिर रहा है ना उन सबको लाभ होगा बहुत, तो मैंने इसलिए किया हो ऐसा ना, अच्छी चीज़ मिल जाए किसी को और कोई भी खरीदेगा मेरे जरिए से यूट्यूब पे देख कर उसे फायदा होगा तो बेचारा वो अच्छी बात है अगर फायदा हो जाए। तुम अफिलिएट भी स्टार्ट कर सकते हो ना कि कोई प्रोडक्ट का रिव्यू दे के उसका लिंक डाल दो। और मैंने डाले कई दफे, अभी ऑडियंस उस तरह की नहीं है। अच्छा, मैंने बहुत डाले तो एक दो ही प्रोडक्ट खरीदा सबने, तो उस तरह की ऑडियंस अभी जुड़ेगी ना धीरे धीरे, ये समझो वो सब लाख से शुरू होता है, जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए ना तो वो चीज़ें तब जाके जुड़ती है सारी चीज़ें, मतलब 1 लाख ऑडियंस है हमारे पास तो ये समझ लो अगर कोई प्रोडक्ट डालूंगा तो 20 तो खरीदेगी ना, 1 लाख में से तो 20 तो खरीद लेगी, तो तब जाके वो वैल्यू बनती है 1 लाख में। अभी हो गया मेरे 300 या 8300। हीट ज्यादा तो नहीं कम है। तो दोस्तों मैम को हम स्टीम दे रहे हैं, करीबन 4-5 मिनट हमने मैम को स्टीम दी है और फिर उसके बाद हम ब्लैक हेड्स रिमूव करेंगे क्योंकि स्टीम से हमारे सारे ब्लैक हेड्स ना ऊपर आ जाते हैं स्टीम लेने से, और सर्दियों में स्टीम तो बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए भी क्योंकि नज़ला जुकाम सिर का दर्द सब सही हो जाता है, तो स्टीम ज़रूर ले अगर। तो हमने मैम को पूरी स्टीम दे दी है 4-5 मिनट, अब हम ब्लैक हेड्स रिमूव कर रहे हैं। तो फिर ये वीडियो ना 2 पार्ट में आने वाली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, तो आपका टाइम भी ज़्यादा कीमती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको दूसरा पार्ट भी देखना है तो कमेंट ज़रूर करें कि ये फेशियल की वीडियो कैसी लगी, भर भर के कमेंट करना इस वीडियो पर जिससे कि मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट भी ले आऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गई थी तो इसलिए हमने थोड़ी 2 वीडियो में 2 पार्ट में कर दी। थैंक यू दोस्तों जी। हेड वॉश का प्राइस क्या है? 100। और वो फीमेल में दोनों का रहेगा ना? हाँ जी। और कब तक खुला रहता है? 9 बजे तक। रात को? जी। और पूरा दिन? हाँ जी, ओपन है सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक। 10 बजे ओपन हो जाएगा? हाँ जी। कब कराना है? अभी 1-2 दिन में आऊँगी। ठीक है, हो सकता है कि कल ही आ जाऊँ। ठीक है मैम, आ जाऊँ। अच्छा, कोई नहीं, आ जाइए। ओके।